नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनका पदभार एवं कार्यक्रम के माध्यम से गोल बाजार शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनगोरिया, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू आदि वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जबलपुर युवक कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को एक कार्यक्रम में माध्यम से पदभार सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये कार्यक्रम गोल बाजार शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विनायक सक्सेना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह आदि वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने बताया कि जबलपुर जिले की युवा कांग्रेस ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनका पदभार सौंपा गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। वही युवा कांग्रेस का हमेशा ही कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रही है, जो कांग्रेस से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गलत कार्यप्रणाली को उजागर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गलत करनी और कथनी जनता के बीच में उजागर करेंगे। वही पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने मकर संक्रांति की भी शहरवासियों को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लगातार तालियां बजती रहें। इस मंच के माध्यम से सूचित करता हूं, इसके बाद लगातार तालियां बजाकर आप सभी साथियों को बधाई दे। मंच पर आए भाई नीलेश जैन नीतू, नगर उपाध्यक्ष। आज युवक कांग्रेस के शहर के तमाम वो पदाधिकारी जिनको अभी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है, उनका पदभार ग्रहण समारोह है। युवक कांग्रेस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, ताकत है और समय संघर्ष का है। इसलिए कोशिश है कि युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच को और ढोंग को आम जनमानस के सामने उजागर करें। पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ ये काम हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। शहर में प्रदेश में एक अराजक वातावरण पूरा बना हुआ, देश में अराजक वातावरण बना हुआ। पदभार ग्रहण समारोह के साथ साथ आज हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप, हमारे धर्म के भव्य और विराट स्वरूप के अनुरूप हम मकर संक्रांति का पर्व अच्छे से मनाएंगे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं तमाम नगरवासियों को देते हैं। भैया यूपी में आज युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत मुरिया जी की सहमति से और जबलपुर के विधायक गणों की अनुमति से और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी की सहमति से युवक कांग्रेस जबलपुर शहर की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को मेरी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी हमारे पदाधिकारी संगठन के प्रति पूर्ण ईमानदारी और लगन से काम करेंगे और संगठन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज युवक कांग्रेस द्वारा यहाँ पर पदभार नियुक्ति ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रीति भोज का एक छोटा सा आयोजन है। कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए हम यहाँ पर एक छोटी सी पतंगबाजी का भी आयोजन करेंगे। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।